और धनतेरस को लेकर बाजारों में खरीदारी के लिए रौनक देखने को मिल रही है। शहर और गांव के बाजारों में दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। ज्वेलरी और कपड़ा बाजार में ग्राहक पहुंच रहे हैं, त्योहार के लिए खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। इस बार ज्वेलरी ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में तरह तरह के ऑफर ग्राहकों के लिए दिए जा रहे हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार अच्छा कारोबार होगा। धनतेरस के पर्व पर सोने और चांदी के आभूषणों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। इसके साथ लोग इलेक्ट्रॉनिक बाइक और फोर व्हीलर भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन बाइक और फोर व्हीलर के शोरूम में भी हजारों की गाड़ियों की बुकिंग की गई। इसके धनतेरस के मौके पर डिलीवरी होनी है। धनतेरस को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लोगों में भी है और व्यापारियों के भी चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये माना जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ ज़रूर खरीदा जाता है, चाहे इलेक्ट्रिक आइटम हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे कुछ भी सामान खरीदना शुभ माना जाता है धनतेरस पर। धन ज़रूर घर में खरीदना चाहिए और यही वजह है कि धनतेरस की धूम, खरीदारों का हुजूम देखने को मिल रहा है हर तरफ। बाजार बहुत ज़्यादा गुलजार हैं, खूबसूरती के साथ नज़र आ रहे हैं। सजाए गए बाजार भी लोगों को उकसाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करें। खुशियों की घड़ी आ गई है, बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है, रौनक देखने को मिल रही है। खुशियों का त्यौहार है दीपावली और उससे पहले धनतेरस का पर्व। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, गाजियाबाद से अमित राणा, कानपुर से अमित गंजू, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, आगरा से कामिर कुरैशी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले बनारस का रुख करेंगे। उपेंद्र, कितनी ज्यादा रौनक नजर आ रही है बाजारों में धनतेरस को लेकर, दीपावली को लेकर कितने बाजार गुलजार हैं, लोगों से भी बातचीत करिएगा। बिल्कुल, देखिए धनतेरस यानी जब धन की वर्षा होती है, और कल धनतेरस है, उससे पहले बाजार पूरी तरीके से सज कर तैयार है ग्राहकों के इस्तकबाल के लिए। और मैं आपको सबसे पहले, आप ये देखिए कितना जाम है। मैं इस वक्त सोनिया बाजार पर हूँ, जहाँ की मैं सामने की तस्वीरें दिखाऊं कि आपको जगह कहीं पर फूल की, कहीं पर झालरों की, कहीं पर दियों की बाजार दिख रही होगी। और कहते हैं कि खासतौर से उत्तर भारत में बर्तन जरूर धनतेरस को खरीदा जाता है, बर्तन, झाड़ू। तो ऐसे में आप ये देखिए बर्तन की जो दुकानें हैं, उन्होंने भी साफ के, और जो है ये बर्तन की भी दुकान तैयार हो गई। चाहे आप एक बर्तन लें, चाहे एक चम्मच लें, लेकिन ये सब परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो हम सीधे ग्राहक, उनसे सबसे पहले दुकानदार से बात करते हैं, कितना इस बार जोश है, कितना उत्साह लग रहा है इस बार धनतेरस को लेकर। बहुत अच्छा है। क्या लगेगा, रिस्पॉन्स समझ में आ रहा है इस बार? 70% है, यानी कि बढ़िया है। आप लोग भी कुछ खरीदने आए हैं क्या? जी। क्या खरीदा आपने? बोतल है, कैटल है, बहुत सारी चीजें ली है। कैटल, देखिए भले ही धनतेरस कल हो, लेकिन आज ही से खरीदारी। बिल्कुल बिल्कुल। कल यहाँ पर महिला यानी कि आधी आबादी आपको दिखाई देगी, क्योंकि कल सगुन है और सगुन पर खरीदारी का मान्यता है, और इसलिए कल आपको यहां से इस बर्तन की दुकान में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। चाहे ये बर्तन दुकान हो, चाहे ये पूरा बर्तन बाजार हो, आगे आपको जिस तरीके से झालरें लगी है, झाड़ू खरीदने की भी, देखिए यूं तो एक आम चीज है झाड़ू, उसकी कीमत कुछ नहीं होती, लेकिन कल आपको झाड़ू की दुकान पर बेतहाशा भीड़ मिलेगी, क्योंकि झाड़ू भी खरीदी जाती है। कुछ लोग सोने को खरीदारी करते हैं। बिल्कुल, कहा जाता है कि धनतेरस के पर्व पर धातु जरूर खरीदा जाता है, चाहे ज्वेलरी हो, इलेक्ट्रिक आइटम हो, और बर्तन हो, और झाड़ू, इसलिए क्योंकि लक्ष्मी झाड़ू से आती है, झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होता है, ये माना जाता है। मैं आपके पास लौटूंगी, गाजियाबाद से अमित राणा को रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद में बाजार कितने गुलजार नजर आ रहे हैं अमित, बताइए, और व्यापारियों के कितने चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि ये हफ्ता बहुत ज्यादा उनके लिए फ्रूटफुल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, खरीदारी बहुत ज्यादा हुई होगी। नलिनी, आपको बता दें, जैसे ही यहाँ पे खरीदारी की बात अगर हम करते हैं, तो गाजियाबाद की अगर मैं बात करूँ, फिलहाल हम खड़े हैं राजनगर की एक मार्केट में, और तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह की मार्केटिंग यहाँ की जा रही है, किस तरीके से लोग यहाँ दुकान पे सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग मेरे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, दिवाली की शुरुआत हो गई है, त्यौहार की शुरुआत हो गई है, किस तरह की खरीदारी करने आप लोग आए हैं? पूजा की तैयारी। जी, शर्मा रहे हैं जी मैम, आप सब शॉपिंग और डेकोरेशन के, होम डेकोर वगैरह, यही सब चीजें हैं, फेस्टिवल टाइम में तो यही लेंगे भैया। अच्छा, दुकानदार भी है मेरे साथ, उनसे बात कर लेता हूँ। मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके, मतलब
जैसे ही त्योहारी सीजन आता है, कितनी मतलब बढ़ोतरी होती है इस दौरान? बढ़ोतरी अब लास्ट के दिनों में होने लगी है, पहले जैसे एक हफ्ता पहले सेल शुरू हो जाती थी, अब उतना टाइम मतलब नहीं होता लोगों के पास, लास्ट के 3-4 दिन ही अच्छा होता है। अच्छा होता है हाँ, क्योंकि कल धनतेरस है तो ऐसे में और भी ज्यादा दुकानदारी बढ़ी होगी, और भी ज्यादा धनतेरस पे लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं, खासतौर पे लक्ष्मी गणेश जी, लक्ष्मी गणेश। कई लोग क्या करते हैं वो पहले लेके बुक करवा जाते हैं, उठाने के लिए वो उसी दिन ही आते हैं कि धनतेरस पे ही हम लक्ष्मी जी को घर लेकर जाएंगे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएंगे उन प्रतिमाओं को कि यहाँ माँ लक्ष्मी और गणेश जी दोनों की ही प्रतिमाएं हैं, और यहाँ पर जो लगातार जो कस्टमर्स हैं वो भी आ रहे हैं। ये और इसके अलावा दिखाना चाहूँगा नलनी आपको, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा देखिए किस तरह की यहाँ पर उनके लिए मालाएं भी बनाई गई हैं, तमाम चीज़ें की गई हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि एक बहुत बड़ा त्यौहार है इस बार की जो दीपावली है, बहुत ही बेहद खास भी है। आपसे जानना चाहूँगा कि कितना अंतर पड़ता है कि जब आप त्यौहार पे जब दुकानदारी करते हैं, डबल का अंतर होता है जी, बहुत बहुत बढ़िया दुकानदार। प्राइसेस भी इस दौरान बहुत ज्यादा हाई रखे जाते हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन ही मिलता है व्यापारियों को अच्छा ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। कानपुर से अमित गंजूर जुड़ गए हैं। अमित, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, कानपुर में कितने गुलजार हैं बाजार धनतेरस को लेकर, दीपावली को लेकर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, दीपावली दीपों का त्यौहार है और खुशियों का त्यौहार है, क्योंकि अगर इस त्यौहार की बात की जाए तो इसकी धनतेरस से एक दिन पहले से शुरुआत। मैं कैमरामैन से कहूंगा, पहले आप देखिए शॉप्स पूरी गुलजार हैं, क्या आप बंटिंग्स की बात करें, बैलून्स की बात करें, हम मोमबत्ती की बात करें, दीपक की बात करें, झालरों की बात करें, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की बात करें, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है बाजारें अभी से गुलजार है। और क्योंकि कानपुर की जो रानीगंज बाजार है इसमें, और इन सबके बीच पुलिस की सुरक्षा भी मुस्तैद कर दी गई। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इधर थोड़ा सामने दिखाने, क्योंकि अभी से पुलिस ने पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दिए यहाँ एसएचओ। सर, कितने क्षेत्रों में आप लोगों को भ्रमण कर रहे हैं, कैसे क्या देख रहे हैं, बाजार में भीड़ है? हम लोग जो है यहाँ भीड़ भाड़ के, हमारे यहाँ दो इलाके हैं थाना क्षेत्र में, एक शास्त्री नगर, एक हम यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर त्यौहार का माहौल है तो लोग बाग निकले हैं। कल धनतेरस है, धनतेरस पर भी बहुत अधिक मात्रा में भीड़ रहती है। सर, आज भी अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है? हाँ, आज भी भीड़ है। तो आप देख सकते हैं कि, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, आप गुलजार देखिए कितनी बाजार हो चुकी है। अभी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है या झाड़ू की बात की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से ये त्यौहार है इसमें लगातार लोग खरीदारी करते हैं, क्योंकि धनतेरस में कोई चांदी का सिक्का लेता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेता है, कोई अपने लिए कार लेता है, कोई पहले से बुक कराता है, कोई बाइक लेता है, कोई फोर व्हीलर लेता है, ज्वेलरी का सामान लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामान इसलिए खरीदा जाता है, किसी शुभ पर रहता है, कुछ लोग अपने घर के लिए झाड़ू लेके जाते हैं। हालांकि अगर मुहूर्त की बात की जाए तो कल 11:18 से इसका एक धनतेरस का मुहूर्त है, मगर क्योंकि जो 7-1 छूटता है जिसे कहते हैं, वो 6:18 आज से इसकी शुरुआत हुई है, और ये परसों सुबह तक यानी 3:03 तक बना रहेगा, जो यहाँ के आचार्यों का मानना है। तो लगातार दिल खोल के इसलिए लोग खरीदारी भी कर रहे हैं और अपने घरों के लिए सामान भी लेके जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से फिर कहूंगा थोड़ा आगे तलके दिखाइए, जहां तक लगी लगभग 250 से ज्यादा यहाँ शॉप्स लगी है, क्योंकि क्या बात की जाए सामने। और घी गट्टे की अगर बात की जाए, देखिए ये बड़ा शुभ माना जाता है, लोग घी ले आते हैं, गट्टा ले आते हैं, लैया ले आते हैं, अपने घरों के लिए पूजा में कहीं ना कहीं काम आता है। ये देखे जा सकता है कि सारा सामान, बाजारें पूरी सज चुकी हैं, लोगों के सामान लोगों ने यहाँ खरीद के रखे हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब अपने घर में गणेश लक्ष्मी की जब पूजा होगी तो उसकी मूर्ति चाहिए, उसके लिए झाड़ू चाहिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा पीछे करके दिखाइए, झाड़ू कम से कम 300-400 से ज्यादा झाड़ू यहाँ नीचे रखे गए हैं, इसलिए कि झाड़ू को भी शुभ माना जाता है लोग अपने घरों में। आज के दिन लगातार आज से लोग झाड़ू खरीदते हैं, और नमक को भी शुभ माना जाता है। कई लोग अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार से, अपने अपने नियमों के हिसाब से खरीदारी करते हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मेरठ, वहां पर किस तरह से गुलजार है, रौनक है बाजारों में, जरा दिखाइए और बातचीत भी करिएगा लोगों से, वो क्या कुछ खरीदते हैं धनतेरस के पर्व पर। जी हाँ, देखिए कहा जाता है कि राम जी आए, सिया राम जी आए, सीता राम जी आए, राघव राम जी आए। धनतेरस और दीपावली के पर्व को लेकर बाजारों की रौनक बस देखते ही बनती है। बाजार गुलजार हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, कोई गिफ्ट देने के लिए शॉपिंग कर रहा है, कोई अपने घर की सजावट के लिए शॉपिंग कर रहा है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से बाजार गुलजार है और किस तरह से यहाँ पर तरह तरह के बंधनवार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मोमबत्तियाँ देखने को मिल रही हैं, पानी में तैरने वाला दिया देखने को मिल रहा है, और रौनक बाजार की बस देखते ही बनती है। ये खूबसूरत तस्वीर आज मेरठ की देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर चहुओं दुकानें सजी हुई हैं। इस तरफ की दुकान भी दिखाइए कि कैसे दुकानें सजी हुई हैं, लोग गणेश लक्ष्मी लेकर के जा रहे हैं, तरह तरह का सामान लेकर जा रहे हैं। दुकानों के बाहर लिखा हुआ है शुभ दीपावली, शुभ दीपावली एक दूसरे को लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, और बाजार
गुलजार है। बाजारों की रौनक बस देखते ही बनती है। आप यहाँ की तस्वीरें देखिए कि कैसे लोगों की कतार यहाँ लगी हुई है। लोग यहाँ आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं और खरीदारी करके बेहद खुश महसूस हो रहे हैं कि वो आज धनतेरस की शॉपिंग कर रहे हैं, दीपों के पर्व की शॉपिंग कर रहे हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर राम मंदिर को लेकर के कैसा क्रेज देखा जा रहा है। आप इस तस्वीर को देखिए कि क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस बार ट्रेंड में भगवान श्री राम का मंदिर कर रहा है। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए और महसूस कीजिए कि किस तरह से समूचा देश श्री राम मंदिर के निर्माण से खुश है। हम दुकानदार से भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर आपकी बार क्या क्या नया ट्रेंड कर रहा है। तैयारियां कर ली गई है। मैं आपके पास लौटूंगी। आगरा से भी हमारे सहयोगी कामिर कुरैशी जुड़ गए हैं। कामिर, हम देख रहे हैं दीपावली को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है, रौनक भी बाजारों में बहुत ज्यादा है। आगरा की ताज नगरी की बात करें तो दीपावली के पर्व को मनाने के लिए, धनतेरस को मनाने के लिए कितने खुशियां, कितने गुलजार बाजारों में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कल से 5 दिवसीय दीपावली का त्यौहार का शुरुआत होने जा रही है और कल धनतेरस भी, उसको लेकर आगरा के बाजार गुलजार हो चुके हैं। दुल्हन की तरह आगरा के बाजारों को सजा दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर सजावट की गई है। साथ ही साथ जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके के कपड़े हों या घर की डेकोरेशन का सामान हो या दिए हो, ये सब इस बाजार में मिल रहे हैं। हालांकि जो दीपावली के त्यौहार को लेकर लोग बाग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये दिए हैं। यहाँ पर ये शागन की मार्केट है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग आ रहे हैं और दीपावली के त्यौहार को लेकर खरीदारी करने के लिए जुटे हुए हैं। किस तरीके से इस बार नया दीपावली पर किया जा सके, किस तरीके से अपने घर को अच्छी तरह से डेकोरेशन किया जा सके, उसको लेकर अलग अलग तरीके का सामान यहाँ पर लोग खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा देते हैं दुकानदारों की। यहाँ पर जो कपड़े के खास दुकानदार हैं उनके यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ें लगी हुई हैं, नए नए तरीके के कपड़े लोग शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण तस्वीरें और खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दीपावली को लेकर और धनतेरस को लेकर बाजार पूरी तरह से गुलजार हैं। कई लोग झाड़ू खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, कई लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं और इसी के साथ धनतेरस और दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं।